ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। किसी ने मुझसे सवाल किया, मुझसे पूछा कि भैया आप आम्रपाली की खबरें तो दिखा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, आम्रपाली में जो गाड़ियां चलती हैं, आम्रपाली कोल परियोजना में जो गाड़ियां चलती हैं उनका डीजल कहां से आता है? मैं शॉक हो गया। मैंने बोला सही बात है, कहां से आता है? फिर मैंने सोचा, सामान्य ज्ञान था, मैंने सामान्य ज्ञान लगाया। अब सामान्य ज्ञान तो यह कहता है कि आसपास कहीं से आता होगा। मैंने कहा कि भाई वहीं चतरा से, टंडवा से, कहीं से भरती होंगी। बोला ना ना भैया, ये डीजल, ये पेट्रोल आता है उत्तर प्रदेश से। बोले हैं? मैं शौक था जैसे आप शौक हैं कि क्यों भाई, अगर टंडवा में काम हो रहा है मगध आम्रपाली का, तो ये तेल उत्तर प्रदेश से क्यों आएगा? तो उसने बोला भैया खेला है इसमें भी। बोला इसमें भी खेला? बोले हाँ इसमें भी खेला है। तो भैया खेला जहां आप देखिएगा वहीं खेला है। सीबीआई को बस एक बात कह रहा हूं मैं, अरे गुरु कहां 83 करोड़ रुपए का कोयला ढूंढ रहे हैं आप? हजारों हजार करोड़ रुपए का घोटाला है, मैं बता रहा हूं आपको, डंके की चोट पर बता रहा हूं, हजारों हजार करोड़ का घोटाला है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मैं तो कबूलनामे दिखाऊंगा यहां बैठ करके, बाकायदा बाकायदा कबूलनामा कि सिर्फ पेट्रोल डीजल में हजारों हजार करोड़ का घोटाला है, कोयला तो छोड़ दीजिए। मैंने कल एक सवाल उठाया था, मैं आज फिर वही सवाल उठा रहा हूं कि आप अपने आप को एक चोर मानिए और आपको खुली छूट दे दी गई है कि भाई आप एक घर है उसमें चोरी कीजिए, उस घर में एसी है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है जो आप सोच सकते हैं। पूरी रात चोरी करने के बाद क्या आप सिर्फ एक चम्मच चुरा के भागेंगे? ना, आप चुराएंगे जो सबसे महंगे सामान है वो। जब सब कुछ चोरी करने की क्षमता है तो एक चम्मच चुरा के क्या होगा? मगध आम्रपाली में भी यही हो रहा है। अंबे माइनिंग, महालक्ष्मी, गोदावरी, इन तमाम कंपनियों के पास सब ठेका था। अंबे माइनिंग की सिक्योरिटी थी, अंबे माइनिंग की वो जो कांटा जिसको कहते हैं जहां पर कोयला तौला जाता है, अंबे माइनिंग का था। अरे एक कोयला अगर गायब होता है तो वो अंबे माइनिंग को पता चल जाएगा, सीसीएल के अधिकारियों को पता चल जाएगा, और वहां से 83 करोड़ रुपए का कोयला गायब हो रहा है। अगर गायब करने वाला कौन है अगर आप जानेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि ये तो बेवकूफ है जिसने मात्र 83 करोड़ रुपए का कोयला गायब किया है। तो असल में सिर्फ 83 करोड़ का कोयला गायब नहीं हुआ है, कोयला बहुत ज्यादा गायब 10 गुना कर लीजिए, 830 करोड़ से भी ज्यादा का कोयला गायब हुआ है। बहरहाल पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। कोयला, झारखंड की रगों में बहता है ये कोयला, पर कोयले के खेल कितने हैं कि आप और हम समझ के फेर में उलझे रह जाते हैं और कोयला गायब हो जाता है। सीबीआई जांच कर रही है कि 83 करोड़ का कोयला कहां गया, पर हम कहते हैं कि 83 करोड़ नहीं, 1,800 करोड़ से ज्यादा का कोयला गायब है। AMPL, MIPL, GCL के पास था माइनिंग का जिम्मा। अब सवाल है कि अभिषेक अग्रवाल कौन है, कौन है दीपेन मुखर्जी, कौन है बबलू और नेपाल, हजारीबाग के पिंकू बाबू कौन है, फर्जी ADRM किधर से आया? अब खेल आगे समझाते हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रबंध हो, जहां हर ट्रक का दो दो बार वजन होता हो, वहां से कोयला कैसे गायब होगा? जांच चल रही है तो आम्रपाली के OB की भी जांच हो, आम्रपाली के CCL अधिकारियों की भी जांच हो, आम्रपाली से जुड़े IPS अधिकारियों की भी जांच हो। आम्रपाली कोल परियोजना असल में लूट का अड्डा है और वहां जमकर लूट होती है। CBI की कार्रवाई से फिलहाल लोग तो खुश है। आम्रपाली में जो CBI का छापा पड़ा है का मुख्य कारण है अंबे कंपनी के नकास, जो सहायक कंपनी थी, उन्होंने बिना कांटा किए हुए यहाँ से 83 करोड़ लगभग रुपये का जो है से कोयला यहाँ से गई, जो सीधा सीधी सरकार
को जो ऐसे नुकसान हुई है यहाँ की आम जनता। अब सवाल है कि क्या सच सामने आएगा? सच सामने आना ही चाहिए, सच बेहद आश्चर्यचकित करने वाला होगा, हमारा दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो सच क्या है? सच ये है कि वहां जहां देखिएगा वहीं घोटाला है। सिर्फ कोयले का नहीं, तेल का भी घोटाला है, इंडियन ऑयल का घोटाला है, सीसीएल के अधिकारियों का घोटाला है, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों का घोटाला है। इतना घोटाला है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं इतना घोटाला है। तो आप सोच लीजिए, आप अंदाजा लगाइए कि 83 करोड़ रुपए के कोयले की जांच सीबीआई करे। आशुतोष मिश्रा समाजसेवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। आशुतोष जी, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि यहां घोटाला सिर्फ 83 करोड़ का नहीं है, मैं तो यहां डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जो मगध आम्रपाली में जो गाड़ियां इस्तेमाल में होती हैं उनके पेट्रोल में भी घोटाला है, और उसमें भी हजारों हजार करोड़ रुपए का घोटाला है। और मैं, मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि भाई जज भी मेरा रहेगा, मुंसिफ भी मेरा रहेगा, कोतवाल भी मेरा रहेगा, तो मैं क्या सिर्फ मेमने का कत्ल करूंगा? ना, मैं तो भीड़ का कत्लेआम कर दूंगा। तो सीधी सी बात है कि जिस कंपनी के पास वहां की सुरक्षा का जिम्मा चार चार कांटा लगा के रखा हुआ है जिस कंपनी ने, वो कंपनी चोरी कर रही है और मात्र 83 करोड़ का कोयला चोरी कर रही है, हजारों हजार करोड़ का खेला है। आशुतोष मिश्रा साहब कुछ कहेंगे? जी नमस्कार सर। बोले, नमस्कार सर। मैं सर बोलना चाहूंगा कि पहले भी आपको हम बताए थे, फिर एक बार दूसरा बार रिपीट करना चाह रहा हूँ कि सीसीएल प्रबंधन का ये सारा सोचा समझा हुआ एक रणनीति के तहत सारा काम वहां पर होता है। अच्छा, सबसे पहला चीज कि जब सीसीएल प्रबंधन वहां पे पहुंची थी आम्रपाली कोल परियोजना में, जो स्थापित परिवार जो हम लोग थे वो उसको जमीन नहीं देना चाहते थे, उस वक्त सीसीएल प्रबंधन ने एक वहां पे शांति सा संचालन नामक समिति का गठन करवाई। बिल्कुल। उस समिति को अप्रोक्ष रूप से भी आप सभी लोग जानते हैं, एनआईए भी वहां पे जांच कर रही है, बहुत सारा तथ्य को आप लोग को भी मालूम है। तो सीसीएल प्रबंधन जो है सो खुलेआम अपने बैटिंग करना चाहती है वहां। ग्रामीण का एक समिति बनवाई, समिति बनवाने के बाद में फिर जब वो समिति वाले लोग दबंगई करने लगे, जब सीसीएल वाले लोग का बात नहीं सुनने लगे, वो थोड़ा ग्रामीण को भी देखते थे का थोड़ा सीसीएल प्रबंधन का भी सुनते थे, तो उस स्थिति में सीसीएल प्रबंधन को लगा कि हमको यहाँ का ग्रामीण समिति को हटाना चाहिए। तो ग्रामीण समिति पर तरह तरह का केस करवा करके, ये करवा करके उसको हटा दिया। पहले भी बोले थे कि 300 लोगों पे मुकदमा हुआ है विस्थापित परिवार का, जो कि 2014 से पहले सरकार का कोई मुकदमा उन लोगों के ऊपर नहीं था, ना ही हम पर था। लेकिन क्या ऐसा कारण हो गया कि 2014 जब कोल परियोजना खुला और वहां के इतने इतने लोगों पर मुकदमा हो गई, जबकि उनका कहीं दूर दूर तक किसी भी तरह का कोई भी ग्राउंड खराब नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि माँ अम्बे कंपनी, उन लोग को हटाने के लिए ये माँ अम्बे कंपनी को यूज की सीसीएल प्रबंधन। माँ अम्बे कंपनी वहां पे आई, माँ अम्बे कंपनी को लगा कि हम अब बैटिंग करेंगे यहाँ पर, लेकिन पीछे से बैटिंग सीसीएल प्रबंधन कर रहे थे क्योंकि वहां पर समिति को हटाना था। अच्छा आशुतोष जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप आश्चर्य कीजिएगा कि आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसे कबूलनामे दिखाने वाला हूँ, टंडवा की जनता इसके लिए तैयार रहे कि पता चलेगा कि सीसीएल के जो सबसे ऊपर के अधिकारी, सीएमडी लेवल के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों तक पैसा पहुंचता था। आने वाले दिनों में मैं ऐसा खुलासा करने वाला हूं, तो आप आश्चर्य तो नहीं करेंगे? 110% सर, जो भी ये खेला हुआ है वो पेन पेपर का खेला है। पेपर का खेल में निश्चित रूप से सीएमडी साहब तक का इन्वॉल्वमेंट रहा है। हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि ये जो पेन पेपर का खेल जो है सो 2014 से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 2014 से चल रहा है और निरंतर जारी रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अभी जो है तो आपको हम बता रहे हैं कि 15-20 दिनों से अच्छा कोयला निकल रहा है, अच्छा ब्राइटी निकल रहा है, तो पहले निरंतर जारी रहा है उसमें। तो इसमें एक और बात आशुतोष जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो कोयला ग्रेडिंग में कैसे खेल हुआ है इसका भी खुलासा यहाँ बैठ के करूंगा। ये भी बता दे रहा हूँ, मैं कोयला चोरों को ये संदेश दे रहा हूँ कि भाई देखिए, आपके बीच के ही कुछ लोग हैं
जो कि खुलासा यहां बैठ के करेंगे कि कोयला ग्रेडिंग में भी कैसे खेला हुआ है। चलिए बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा जी, बस इंतजार कीजिएगा, सांस थाम के रखिएगा, आने वाले दिनों में न्यूज 11 भारत ऐसे ऐसे खुलासे करने वाले हैं कि कोयला चोरों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूं थर्मामीटर फूट जाएगा, इन कोयला चोरों का टेम्परेचर ऐसा चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा, आएंगे तो गुरु गर्मी बढ़ाएंगे, मैं बता दे रहा हूं। इंतजार रखिएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, डंके की चोट पर दिखाऊंगा कोयले का खेला झारखंड में कैसे चलता था, कौन कौन आईपीएस, कौन कौन आईपीएस अधिकारी, कौन कौन सीसीएल प्रबंधन के अधिकारी, कौन कौन कोयला चोर, कौन कौन स्थानीय लोग, सबका नाम बाकायदा डंके की चोट पर यहां रखूंगा। देखिए मेरे एक सहयोगी अभी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका नाम बाद में बताऊंगा, ये पत्रकार बाद में है, पहले ये टंडवा के एक ऐसे आदमी है जिन्होंने मगध आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट में बहुत दिन ट्रक चलाया है। तो मैं अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अमित सिंह साहब का, जो कि हमारे एसोसिएट एडिटर भी है। अमित जी, डंके की चोट पर दिखाएंगे कि कोयला कहां से चोरी होता था, कैसे चोरी होता था, किसके किसके पास शेयर जाता था। आप सोचिए 83 करोड़ का कोयला ढूंढने में सीबीआई व्यस्त है। मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास अगर पूरे घर को चोरी करने की क्षमता रहेगी तो क्या मैं चम्मच चोरी करके भागूंगा। अंबे माइनिंग के पास 4-4 टोट कांटा था, अंबे माइनिंग जहां 5,000 टन कोयला भेजना था वहां 2,000 टन अगर भेजेगी तो कौन चेक करने वाला था, क्या वो मात्र 83 करोड़ रुपए का कोयला गायब करेगी। अमित जी, नहीं नहीं भारती जी, 83 करोड़ का मामला है ही नहीं, अब तो सीबीआई और वहाँ पहले से भी एनआईए जैसी एजेंसी जांच कर रही है, तो ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। जो न्यूज 11 हम भारत जो बता रहा है कि ये लगभग 1,000-2,000 करोड़ का मामला है, ये वाकई में सही में 1,000-2,000 करोड़ का मामला, आप कल्पना नहीं कीजिएगा। जिस आम्रपाली और मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में एजेंसियां काम करती हैं, वहाँ एक एक कांटा लगा हुआ है जी। सारे ट्रक में आजकल जीपीएस सिस्टम लगे हुए हैं, वैसे जगह से 83 करोड़ का कोयला गायब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, वहाँ पर हर एक ट्रक की मॉनिटरिंग होती है, हर एक ट्रक की मॉनिटरिंग, हर एक ट्रक का वजन होता है। अगर एक कोयला चोरी हुआ है लंबे अरसे से, जैसा हमारे एक सहयोगी ने बताया कि 2014 से मामला चल रहा है, एकदम सही में ये 2014 से मामला चल रहा है और आज भी खत्म नहीं हुआ है, आज भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, पहले की तरह अब ये पूरे खुलेआम तरीके से नहीं है वहां मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में, लेकिन आज भी हर दिन हर ट्रक से हर कांटे से पैसे की वसूली होती है और बिना वसूली के वहाँ कोई ट्रक, मतलब एक उसका चेक नाका भी पार नहीं कर सकता है मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट के अंदर। मैं वहाँ पर पहले एक अखबार में काम करते हुए मैंने वहाँ काम किया है जी। उस जगह पे मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, उस समय 6 दिनों तक मैं वहाँ ट्रक ड्राइवर बन के रहा जी। उस समय मैंने देखा कि हर एक लगभग 13-14 जगह पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, सीसीएल के अधिकारी, जो वहाँ सुरक्षा में तैनात अधिकारी, नक्सली के कुछ लोग, सफेद पोश लोग, वर्दी वाले लोग, सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें। ये 1,000-2,000 करोड़ का मामला है भारतीय, एकदम ये पहले से एनआईए जानती है, अब सीबीआई कर रही है। एक बात मैं बता दूं, चूंकि देखिए जन्माष्टमी आने वाली है, मैं तो सिर्फ इतनी से बात कहूंगा, अगर आप इशारों को समझे तो, कि सदै कृपाला गोपाल, सदै कृपा गोपाला की, बस इतनी सी बात है। गोविंद बोलो, हरी गोपाल बोलो, मैं तो गोपाल गोपाल बोल रहा हूँ। अमित जी, मेरे इशारे को अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत कुछ समझ गए होंगे। सही बात है भारती जी। चलिए बहुत शुक्रिया अमित जी, दर्शकों से हम वादा कर रहे हैं कि दर्शकों आपको इतनी बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दिखाएंगे, हम कबूलनामा दिखाएंगे, बाकायदा कोयला कारोबारियों का कबूलनामा दिखाएंगे, वो बताएंगे कि पैसा किधर से आता था, किधर से जाता था। कोयला 83 करोड़ का नहीं, 800 करोड़ से ज्यादा का मामला है, और सिर्फ कोयले का नहीं, बहुत सारी चीजों का मामला है, तेल का भी खेला है, जमीन का भी खेला है, विस्थापन का भी खेला है, बहुत खेला है। देखिए जयराम पांडे समाजसेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजसेवी जयराम पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। जयराम साहब, मैं आपको बता रहा हूं, डंके की चोट पर बता रहा हूं कि खेला सीबीआई गलत डायरेक्शन में जांच कर रही है। सीबीआई मात्र 83 करोड़ की बात कह रही है, मैं कह रहा हूं कि 800 करोड़ से ऊपर की बात है।
सीबीआई की जांच अभी गलत दिशा में जा रही है। न्यूज 11 भारत बहुत जल्दी पुख्ता प्रमाण के साथ खबरें दिखाएगा कि भाई खेला कहां और कैसे हुआ है। जयराम पांडे साहब, आप तो बहुत करीब से सारी चीजों को देख रहे हैं, कहें क्या क्या देखा आपने? सबसे पहले तो चतरा की जनता की ओर से भारती जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके चैनल के माध्यम से मतलब इस विषय पे आप लोग लगातार बनाए हुए हैं नजर जी। और रह गई बात कि केवल अभी जो बात हो रही है 83 करोड़ की, ये 83 करोड़ का मामला नहीं है। मैंने जैसा कल भी बोला था जी जी, ये जांच की जरूरत है और ये अमाउंट बढ़ेगा, ये 500 से 800 करोड़ के बीच का मामला जी है। जी, और केवल भाई साहब इतना ही नहीं है, अभी आप यहाँ की जनता की देखेंगे तो इस सड़क दुर्घटना में ट्रांसपोर्टेशन में सैकड़ों लोग मारे गए। विस्थापन का जो मामला है उसमें अभी एक तरह से बोलिए कि विस्थापितों को न्याय नहीं मिला है। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं, जैसे सीसीएल जब खुलता है तो वहाँ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत जो सुविधा है वो मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला और इतना घोटाला हो गया और किसी को नजर नहीं जी। तो इसके लिए तो मैंने जैसा बोला कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग का ये अथक प्रयास है वो रंग लाए, और जो दोषी है ना उसको सजा मिलना ही चाहिए बिल्कुल। और ये केवल मात्र एक कंपनी के माध्यम से हो जाए ऐसा संभव नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग मिली भगत है, जैसे सीसीएल के बड़े बड़े अधिकारी लोग भी है इसमें, बहुत सारे जो बिचौलिए दलाल लोग हैं। तो ये सब खुलासा होना चाहिए और निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से जांच होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो जयराम जी यहाँ बैठ करके कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं आप यहाँ पर कबूलनामा दिखाऊंगा कि झारखंड के टॉप लेवल के पुलिस अधिकारी, सीसीएल के टॉप लेवल के अधिकारी, मतलब उनसे ऊपर सीसीएल में कोई नहीं है, ऐसे अधिकारियों तक कैसे पहुंचता था उनका हिस्सा, इसका कबूलनामा दिखाऊंगा मैं यहाँ बैठ करके, तो आप आश्चर्य तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये खुला हुआ है जी, मतलब ये तो खुला खेल चल रहा था जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप बोलेंगे तो कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बड़े बड़े लोग फंसेंगे इसमें और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुल करके सामने आएंगे, जो सफेद पोष होंगे वो भी इसमें फंसेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया जयराम पांडे साहब, जाते जाते एक और बात सुनते जाइए कि आम्रपाली से जुड़े एक कोयला कारोबारी है जिनका नाम है नेपाल यादव, जिनके घर में सोने का झूमर लगा हुआ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते आम्रपाली ने कितनों को कहां से कहां पहुंचा दिया है। लेकिन बहुत शुक्रिया, अभी तो मैं सबका खुलासा करूंगा, पांडे जी आपने अपना वक्त दिया इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि आप अंदाजा लगाइए किसी के घर में सोने का झूमर हो सकता है क्या, पर आम्रपाली की कृपा है, लेकिन आम्रपाली की कृपा है कि घर में सोने का झूमर लगा हुआ है। सीबीआई को भी बहुत कुछ मिलने वाला है, हम जो दिखाएंगे उससे सीबीआई को भी बहुत कुछ मिलने वाला है, इतना कुछ कि अंदाजा नहीं लगा सकते आपकी क्या क्या। तो भाई आम्रपाली की ये जो दुनिया है ना, ये काली दुनिया है, मायावी दुनिया, तेल का खेल है, कोयले का खेल है, ट्रांसपोर्टेशन का खेल है, डीओ का खेल है, चारकोल का खेल है, इतने सारे खेल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे आप तो आम आदमी हैं, आपकी सोच कहां तक जाएगी, आप बहुत खुश होते हैं तो 1 करोड़ का सपना देख लेते होंगे, उससे ज्यादा मेरे तो सपने नहीं जाते, उससे ज्यादा मेरे तो सपने नहीं जाते। लेकिन मैं यहां बैठ के कह रहा हूं कि ये मात्र 83 करोड़, मात्र कह रहा हूं मैं, मात्र 83 करोड़ का खेल नहीं है, 800 से ज्यादा हजारों करोड़ का खेल है ये, और इसका खुलासा होगा। थोड़ा सा इंतजार रखिएगा, इसका खुलासा होगा, इसका खुलासा आपको बस रखना है, थोड़ा सा इंतजार और बहुत जल्द इसका हम खुलासा करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।